हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। ये वीडियो एक्स स्टूडेंट के लिए रहने वाली है जिन्होंने SOL में 2020 में 2021 में एडमिशन लिया था, क्योंकि दोस्तों यहां पे ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म की जो फ़ीस है इसको लेकर उनको डाउट हो रहे हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस कितनी है पर सेमेस्टर या उनके जो सब्जेक्ट उनकी कितनी फ़ीस है। तो इसी वीडियो में आप सभी के जितने डाउट्स हैं वो कवर किए जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको वीडियो का जो अपडेट है, नोटिफिकेशन है, वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने आप सभी को बता ही दिया था कि 2020 बैच के और 2021 बैच के, इन सभी बैच के अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो किसी सब्जेक्ट में अपना फेल हो चुके थे या क्लियर नहीं कर पाए थे तो वो सभी यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं एग्ज़ाम रोल नंबर और अपने बार कोड के थ्रू। अब यहाँ पे आप सभी के जो एग्ज़ामिनेशन के फ़ीस है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो एग्ज़ाम फॉर्म है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप सभी के जो एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस है वो 500 रुपये है एग्ज़ाम फॉर्म की। इसके अलावा यहाँ पे एक 200 प्लस में आप सभी का 210 रुपये, वो जो है वो स्टेटमेंट ऑफ मार्कशीट, ये जो स्टेटमेंट है इसके यहाँ पर 210 रुपये SOL की तरफ से लिए जा रहे हैं। तो टोटल यहाँ पे जो आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस है वो कितनी होगी, 710 रुपये होगी। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस के बाद जो सब्जेक्ट के फ़ीस है या जो आपने जिस किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं या ERI थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपके जो ER फॉर्म है या जो ER सब्जेक्ट हैं तो आपके पर सेमेस्टर में जो हैं 400 लगते हैं। आपके पर सेमेस्टर के जो हैं कितने रुपीस लगते हैं, 400 रुपये लगते हैं। और पर सेमेस्टर, अब यहाँ पे दोस्तों लिखा रहता है कि जो स्टेटमेंट रहती है अप टू 4 सब्जेक्ट, मैक्सिमम जो है 4 सब्जेक्ट। अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी 4 सब्जेक्ट में अगर आपकी ERI थी तो यहाँ पे आपको 400 रुपये लगेंगे, लेकिन वो सेमेस्टर सेम होना चाहिए। जैसे अगर एक सेमेस्टर है और एक सेमेस्टर में अगर आपके 2 सब्जेक्ट में ER है तो 400 रुपये लगेंगे, अगर 3 सब्जेक्ट हैं तो 400 रुपये लगेंगे, अगर 4 सब्जेक्ट हैं तो 400 रुपये लगेंगे। लेकिन जैसे अगर आप 4 सब्जेक्ट से आगे गए, आपका 5वां सब्जेक्ट अगर जुड़ता है या 5 सब्जेक्ट में फेल हैं तो उसकी जो फ़ीस है वो 100 रुपये एक्स्ट्रा आपको जोड़ के देनी होगी, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। ये वो बात होगी फर्स्ट सेमेस्टर की। वहीं अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके फर्स्ट सेमेस्टर में ना केवल फर्स्ट से लेकर 6th सेमेस्टर के किसी भी सेमेस्टर में, तो अगर वो 1 सब्जेक्ट में फ़ेल है किसी भी 1 सेमेस्टर में और किसी दूसरे सेमेस्टर में 1 सब्जेक्ट में फ़ेल हैं तो उसकी जो फ़ीस होगी दोस्तों वो 800 रुपये होगी, ध्यान रखना 800 रुपये उसकी जो फ़ीस होगी। अब यहाँ पे आई थिंक आपको थोड़ा जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है या जो सब्जेक्ट फ़ीस है इसका डाउट जो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे जो 800 रुपये हैं, दोबारा से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे अगर पर सेमेस्टर और सेम सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं ER 4 सब्जेक्ट हैं तो मैक्सिमम जो 400 रुपये लगेंगे एक्स्ट्रा जोड़ते हैं सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट के अलावा, तो 100 रुपये एक्स्ट्रा फीस लगते हैं। और कोई अनदर सब्जेक्ट हैं, सॉरी अनदर सेमेस्टर हैं तो उसके भी यहाँ पर 400 रुपये लगेंगे। तो यहाँ पे जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2nd सेमेस्टर में आपके ER थी तो यहाँ पे आपके जो है 400 रुपये लगेंगे अप टू 4 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट। और कोई 4th सेमेस्टर है या 3rd सेमेस्टर है या 5th सेमेस्टर है, इन सभी में से किसी 1 सेमेस्टर में किसी 2 सेमेस्टर में आपके ER थी तो उसके भी 400 रुपये लगेंगे। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 800, ये आपके पर सेमेस्टर हो गया। अब यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका 1st सेमेस्टर में भी था, 3rd सेमेस्टर में था, 5th सेमेस्टर में भी था तो टोटल यहाँ पे आप कितने रुपए देंगे, 1200 रुपये देंगे, 400 रुपये इसका, 400 रुपये इसका, 400 रुपये इस सेमेस्टर का, टोटल यहाँ पर आप 1200 रुपये अपने सेमेस्टर फ़ीस जो है ये भरेंगे। तो आई होप आपको अपने सब्जेक्ट वाइज जो कोर्स की फ़ीस है वो यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो टोटल अगर किसी ऐसा स्टूडेंट है जिसे किसी 1 सेमेस्टर में या किसी 1 सब्जेक्ट में फ़ीस जो है ER थी या सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ था तो उसका जो फ़ीस है 400 रुपये है, और जो मैंने 500 प्लस 210 फ़ीस बताई थी, 710 टोटल जो कि होती है, तो आपकी जो फ़ीस आएगी ये 1110 आएगी। लेकिन वहीं अगर आपके 2 सेमेस्टर में ER सब्जेक्ट हैं तो 2 सेमेस्टर का फ़ीस कितना हो गया, 800, और प्लस आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी हो जाएगी, 710 टोटल जो फ़ीस है, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल यहाँ पर, 1510 रुपये आपके जो है टोटल फ़ीस हो जाएगी। तो आई होप आपके जो सब्जेक्ट हैं इनके जो फ़ीस है, इसकी जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है, ये यहाँ पर क्लियर कर दिए गए हैं।
कि अगर कोई फ़ीस कितनी है किस तरह से कैलकुलेट हो रही है। इसके अलावा अगर कोई डाउट रहता है अपने एडमिशन फ़ीस एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं या सोशल मीडिया पर फॉलो करके अपने पर्सनल डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही।